Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 6. Today I have a new story for you from your novel The Golden Touch. The name of the story is Icarus and Perdix. Icarus was the son of Daedalus and his wife was dead. Perdix was his nephew of Daedalus, and Perdix was very skillful like Daedalus. And Perdix learned all the work from the Daedalus. Perdix ने तमाम हुनर जो हासिल किया था वो Daedalus से हासिल किया था, और Perdix जो है वो Daedalus का भतीजा था. Perdix बहुत होशियार था Daedalus से ज़्यादा, उसका नाम हो रहा था, बहुत नाम मशहूर हो रहा था अपने काम की वजह से. Perdix तो Daedalus को जो है वो ये बात अच्छी नहीं लगी. द नेक्स्ट स्टोरी द क्लिफ. वन इवनिंग Daedalus कॉल्ड Perdix टू द हिल. एक दिन Daedalus Perdix को हिल के ऊपर ले गया और वहाँ से उसने उसको धक्का दे दिया समंदर के अंदर ताकि Perdix मर जाए, क्योंकि Daedalus को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी कि जब सब लोग मुझे बहुत मेरे काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा होनहार आर्टिस्ट कहते थे, तो मेरा सारा नाम ख़त्म हो रहा है और सब Perdix के जो है वो गुण गाते हैं और Perdix का ही चर्चा हो रहा है. तो Daedalus को ये बात पसंद नहीं आई और उसने इस तरह अपने भतीजे Perdix को पहाड़ी के ऊपर से समंदर के अंदर धक्का दे दिया. लेकिन क्या हुआ कि उसका जो भतीजा Perdix था वो एक ब्राउन कलर की बर्ड में चेंज हो गया और उड़ता हुआ समंदर के ऊपर से चला गया. नाउ द एस्केप टू क्रीट, यानी कि राहे फरार Daedalus के राहे फरार क्रीट की तरफ. क्रीट उस एथेंस Daedalus एथेंस में रहता था और क्रीट में माइनस बादशाह था जो उसके काम से Daedalus के बहुत खुश था और उसने उसको वेलकम भी किया था कि तुम किसी भी वक्त क्रीट आ सकते हो. क्रीट में Daedalus चला जाता है अपने बेटे के साथ ताकि किसी को भी ना पता चले कि Perdix को किसने मारा है. इस वजह से वो क्रीट भाग जाता है Daedalus अपने बेटे के साथ. वहाँ पे माइनस बादशाह उसको वेलकम करता है और उसको अपने पास काम भी देता है. द प्रिजनर्स. जब Daedalus अपने बेटे के साथ क्रीट चला जाता है माइनस बादशाह के पास, वहाँ पर वो बहुत अपने काम में बिज़ी होता है. माइनस बादशाह उसको रहने की जगह भी देता है और काम भी देता है, लेकिन किसी बात पर माइनस किंग माइनस के साथ Daedalus का झगड़ा हो जाता है और बहस हो जाती है. किंग माइनस उसको कहता है कि पहले जो मैं काम बोल रहा हूँ वो करो. Daedalus कहता है नहीं, पहले काम जो मैं कर रहा था वो करूँगा. इस बात पर उनकी बहस हो जाती है और इस तरह किंग माइनस उसको Daedalus को और उसके बेटे को क़ैद में बंद कर देता है अपने महल के ऊपर वाली बिल्डिंग में, एक कमरे के अंदर क़ैद कर देता है. वहाँ पर मुख्तलिफ चिड़ियों को उड़ते देखकर Daedalus के दिमाग में ख़्याल आता है कि क्यों ना वो चिड़िया की तरह के उड़ने के पर बनाए और यहाँ से उड़कर बाहर निकल जाए अपने बेटे के साथ. और इस तरह Daedalus अपने बेटे के साथ मिलके वो पर बनाता है और अपने बेटे को कहता है कि आज हमारा काम पूरा हो गया है, हमने वो पर बना लिए हैं उड़ने के लिए. आओ उठो, हम वो पर अपने हाथों में लगाते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं. उसके बाद वो अपने बाजुओं पे वो पर लगाकर ऊपर से छलांग लगाते हैं और अपने बाजुओं को जल्दी जल्दी हिलाते हैं. इस तरह वो दोनों बाप बेटा उड़ना शुरू हो जाते हैं. माइनस बादशाह का सिपाही उनके ऊपर बहुत तीर बरसाता है लेकिन कोई तीर उन तक नहीं पहुंचता और वो तीरों से निकलते हुए आगे उड़ते हुए सिसिली की तरफ चले जाते हैं और अपनी परवाज़
उनकी बहुत ऊंची होती चली जाती है। उस उनका टैटूलस का बेटा बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है कि उसके सामना सूरज से होने लगता है। द हीट ऑफ द सन, उसके बाद ये पर जो उन्होंने बनाए थे ये मोम की मदद से बनाए थे, लेकिन जब डेडुलस का बेटा इकेरस सन के बहुत सूरज के बहुत करीब चला जाता है तो सन की सूरज की तेज़ शुआओं की वजह से, तेज़ गर्मी की वजह से उसके परों की वैक्स, उसके परों की मोम पिघलने लगती है और उसके सारे पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी परवाज बरकरार नहीं रख पाता और वहाँ पर एक समंदर के अंदर। द इकेरियन सी, विद हैवी हार्ट डेडुलस डग अ होल इन द ग्राउंड एंड प्लेस द बॉडी ऑफ द डेड बॉय इन इट। वहाँ पर इकेरियन सी में, जो आजकल वो समंदर इकेरियन सी के नाम से मशहूर है इकेरस की वजह से, वो उस डेडुलस का बेटा इकेरस उस समंदर में गिर के मर जाता है और फिर डेडुलस को एहसास होता है कि मैंने अपने भतीजे के साथ गलत किया था जिसका आज मुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है, और वही ब्राउन बर्ड उसके सर पर आके कहती है कि शायद तुम्हें याद हो पर्डिक्स के, तुमने अपने भतीजे पर्डिक्स के साथ क्या किया था और तुमने उसको भी मौत की नींद सुला दिया था, आज तुम्हारा अपना बेटा जो है वो इसी हालत में है कि मर चुका है और तुम उसको बचा नहीं सके। ओके क्लास, दिस इज़ योर शॉर्ट समरी ऑफ दीज स्टोरीज़। इंशाल्लाह टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।